नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज इफ एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस टू पाई बाय थ्री इक्वल टू जेड कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाय थ्री, ये सारे आपस में इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपके तीन वैल्यूज इक्वल है, राइट। कैन आई से दैट लेट एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस टू पाई बाय थ्री इक्वल टू जेड कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाय थ्री, इसको मैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट के इक्वल ले लेता हूँ, सारे आपस में इक्वल है। अब इससे होगा कि सभी एक्स वाई जेड को मैं के की टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के बाय कॉस थीटा होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, के बाय कॉस विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस पाई बाय थ्री, और जेड की वैल्यू क्या होगी, के बाय कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाय, इसमें कोई डाउट। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल नहीं है, एक्स वाई, अब ये नहीं कि यहाँ एक्स और वाई और जेड की वैल्यू हम पुट करें, कर सकते हैं। देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस, क्या आप एग्री करते हो, ये अभी भी इक्वल ही है ना, इक्वल। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो इक्वल टू में हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये आपके थ्री डिफरेंट टर्म्स है बिकॉज बीच में प्लस का साइन, मैं एक्स वाई जेड को सभी टर्म से डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, ये क्लियर हो गया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, देखो एक्स और वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया वन बाय जेड, ये हो गया आपका वन बाय एक्स, और ये हो गया आपका जेड और एक्स कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा वन बाय वाई, बेसिकली ये हो गया एक्स वाई जेड वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू आपकी है k अपॉन cos थीटा, तो 1 बाय x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos थीटा बाय k, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो क्या मैं 1 बाय x की जगह 1 बाय x की जगह cos थीटा बाय k लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस ऐसे 1 बाय y को क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 अपॉन k प्लस वन बाय जेड को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाय थ्री, कॉस थीटा प्लस फोर पाई बाय थ्री अपॉन के, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस ए प्लस कॉस बी क्या, कॉस ए प्लस कॉस, कैन आई से दैट टू कॉस ए प्लस बी बाय टू और cos a माइनस बी बाय टू, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो देखो ये हो गया आपका, देखो पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं यहां से k कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बाय के, यस और नो, अब ये हो जाएगा cos थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा प्लस टू पाई बाय थ्री प्लस हो जाएगा cos थीटा प्लस फोर पाई बाय थ्री। देखो ये तो सिंपल वैल्यू है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू, मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको ले लेता हूँ कॉस ए प्लस कॉस ए और आप यहां पर इसका यूज करो, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय के, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या होता है टू कॉस ए प्लस बी, क्या हो जाएगा थीटा प्लस टू पाई बाय थ्री प्लस थीटा प्लस फोर पाई बाय थ्री ए प्लस बी बाय टू, फिर क्या हो जाएगा आगे कॉस ए माइनस थीटा प्लस टू पाई बाय थ्री माइनस थीटा माइनस फोर पाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ये रहा था, ठीक है। आगे देखो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड ऑन के, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस टू कॉस,
थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? टू थीटा। फोर पाई प्लस टू पाई कितना हो जाएगा? सिक्स पाई पाई। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ऐसे यहां देखो, थीटा से थीटा कैंसिल, टू पाई माइनस फोर पाई कितना हो जाएगा? माइनस टू पाई बाय थ्री। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इसमें कोई डाउट? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय के। ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहां से कॉमन क्या आएगा? टू, टू से टू कैंसिल कर, इसको समझ पा रहे हो? भाई ये वो एंगल का पार्ट है, वो कांस्टेंट है, इतना खतरनाक मैथ्स नहीं करना है। ये एंगल है पूरा, ठीक है, ये कैंसिल हो सकती है। देखो यहां से अगर मैं टू कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये हो गया टू कॉस, मैंने टू कॉमन ले लिया, ये तो समझ आ रहा है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस, फिर यहां से टू ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री। और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। कॉस ये हो गया आपका एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय के, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या? माइनस, माइनस टू कॉस थीटा होगा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस फाइव बाय थ्री। कॉस फाइव बाय थ्री का मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। वेरी गुड, 1/2। तो एक्स वाई जेड बाय के, देखो जो बात कह रहा था वही होगी। आपको क्या था, जीरो में निकाल देना और जीरो ही आ गया। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो। इतनी मेहनत की और आंसर क्या मिला? जीरो। पर सही मिला। ठीक है, मेरा क्वेश्चन।